तो स्टूडेंट्स हाजिर हूं अपनी नई क्लास के साथ। आज की क्लास मेरी जो है एम या पर्पस डिनोटिंग सेंटेंस के ट्रांसलेशन बेस है। ये इसका एक वीडियो लेक्चर मैं आपको पहले भी दे चुका हूं, ऊपर आई बटन पे लिंक होगा, वहां जाके देख सकते हैं। वो फर्स्ट पार्ट था, उसी से जुड़ा हुआ ये वीडियो लेक्चर है। बिना फर्स्ट पार्ट को देखे आपको सेकंड पार्ट समझ में आने वाला नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट को पहले देख लीजिए, फिर इस सेकंड पार्ट को आप स्टार्ट कीजिए। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उस वीडियो में बताया था कि बहुत सारे रूल है, एक एक रूल मैंने आपको डिटेल में बताया। इसमें भी रूलों को मैंने बहुत ही डिटेल में बहुत ही आराम से समझाया है, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा और कोई भी स्टेप स्किप मत कीजिएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ज्यादा समय न गंवाते हुए चले चलते अपनी क्लास की तरफ। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं ये आपकी अपनी क्लास एक्सीलेंस क्लास और यहाँ पे हर चीज आपको एकदम डिटेल में बताई जाती है। तो चलिए चलते अपनी क्लास की तरफ। इसके पहले जो एक वीडियो लेक्चर दिया है इसमें आधा ही मैंने बताया था, आज उसी का दूसरा पार्ट है और उसी में देखते हैं हम अगले रूल की तरफ, अगला सेंटेंस हम किस प्रकार का पाते हैं, कैसे इसको ट्रांसलेट करना है। तो अगला सेंटेंस हमने जो लिया, जो सेंटेंस आ रहा है हमारे सामने आ रहा है, मोहन ने मोहन के लिए किताब खरीदी। इसका जो हम लोगों को स्ट्रक्चर मिल रहा है वो इस प्रकार से मिलेगा कि कर्ता मिलता है पहले हमें, और इसके बाद संज्ञा या सर्वनाम मिलता है। संज्ञा या सर्वनाम यानी कि मैंने मोहन, ये देखिए कर्ता, फिर संज्ञा या सर्वनाम मिलता है। फिर उसके बाद जो हमें मिलता है वो के लिए मिलता है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है। फिर इसके बाद एक और संज्ञा मिलती है जो कि हम लोगों की ऑब्जेक्ट होती है यानी कर्म होती है। यहां देखिए एक किताब, दूसरी संज्ञा भी जो कि कर्म के रूप में है, और फिर इसके बाद आ जाता है क्रिया, आखिरी में क्रिया जो इस टाइप का होता है। क्लियर, ये हिंदी का स्ट्रक्चर, आप उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी। इसको जब हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कुछ ये लेके निकलेंगे कि सब्जेक्ट ले आए हम लोग, सब्जेक्ट के बाद हम लोग ले आए वर्ब, और वर्ब के बाद हम लोग ले गए वो नाउन जो कि हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ था। ऑब्जेक्ट बनने वाला नाउन था ये वाला नाउन लेके आए, और फिर हम लेंगे फॉर, और फॉर के बाद हम लोग शुरू वाला नाउन, नाउन या प्रोनाउन जो शुरू में दिया होगा उसे लिख लेंगे। इस प्रकार से इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो यहां देखिए कि पहले हमने सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट क्या है हमारे सामने आई, और आई के बाद हम लोग वर्ब लेंगे, तो वर्ब क्या है खरीदी, तो खरीदी पास्ट टेंस में है तो इसका लिखेंगे बॉट, यहां पे हो गया वर्ब बॉट। उसके बाद ऑब्जेक्ट नाउन वाला, तो नाउन वाला ऑब्जेक्ट क्या था, तो ये हो गया एक किताब आ बुक, और फिर फॉर लगाएंगे, फॉर लगा दिया हमने, और फिर जो शुरू वाला नाउन या प्रोनाउन था इसको लगा लेंगे, तो नाउन या प्रोनाउन क्या था मोहन था, तो मोहन लिख लिया हमने, और फुल स्टॉप है। तो आई बॉट अ बुक फॉर मोहन, मैंने मोहन के लिए किताब खरीदी, ये सेंटेंस देखिए इस प्रकार से ट्रांसलेट होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेंटेंस को ट्रांसलेशन आपका स्ट्रक्चर समझ लिया होगा, तो इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल इसके लेते हैं जिससे और अच्छी समझ में आ जाएगा आपके। तो यहां मैंने तुम्हारे लिए एक पत्र लिखा है, मैंने तुम्हारे लिए एक पत्र लिखा है, लिखा है अर्थात ये हमारा परफेक्ट टेंस है। तो यहां हो जाएगा आई हैव रिटर्न, आई हैव रिटर्न, और फिर एक पत्र आ लेटर, और फिर फॉर लगाएंगे इसके बाद हम लोग, और तुम्हारे लिए यू, आई हैव रिटर्न अ लेटर फॉर यू, रवि उसके लिए एक अच्छा सा उपहार लाया, तो यहां जाएगा रवि और लाया ब्रॉट अ फाइन गिफ्ट, फाइन गिफ्ट, और फॉर उसके लिए क्या था फॉर हर या हिम, जो लगाना है आप यहां लगा दीजिए फॉर हर या हिम, या सुहाली ने मेरे लिए खाना पकाया, तो सुहाली पकाया मतलब कुक्ड फूड फॉर मी। क्लियर, उम्मीद करता हूं कि ये सेंटेंस ऐसे जब कभी आपके सामने आएंगे तो आप उसे आराम से ट्रांसलेट कर लेंगे। तो चलिए इन एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए, फिर इसका अगला रूल हम लोग देखते हैं। तो अगला स्ट्रक्चर जो हमें मिलेगा कुछ सेंटेंस इस प्रकार से, मैंने मोहन के लिए पढ़ने को एक किताब खरीदी, ऐसा सेंटेंस आता है। तो ऐसे सेंटेंस को जब हिंदी स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या मिलेगा आप लोगों को, कर्ता पहले मिल जाएगा, पुराने इसी के पहले वाले स्ट्रक्चर की तरह कर्ता, फिर उसके बाद संज्ञा या सर्वनाम में मिल जाएगा,
संज्ञा सर्वनाम इस स्थान वाला है, और फिर इसके बाद हमें मिल सकता है के लिए, के लिए हमें क्रिया मिलेगी और क्रिया के साथ हमें ने को मिलेगा और फिर एक संज्ञा मिलेगी जगह पर, और इसके बाद जो लास्ट में मिलेगी वो हमारी मुख्य क्रिया मिल जाएगी, एक और मुख्य क्रिया मिल जाएगी। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर मिलेगा कि पहले कर्ता, फिर संज्ञा सर्वनाम, फिर के लिए, फिर एक क्रिया, उसके बाद क्रिया के साथ ने को लगा हुआ मिलेगा और फिर संज्ञा मिलेगी, संज्ञा के बाद हमें एक और क्रिया मिलेगी। और इसको जो हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कुछ ऐसे करेंगे कि सब्जेक्ट लगा देंगे हम लोग पहले, सब्जेक्ट के बाद हम लोग वर्ब लगा देंगे, जैसा उसने बताया था वर्ब, जैसा टेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का यूज करेंगे, और फिर हम लगाएंगे नाउन, कौन सा नाउन, जो ऑब्जेक्ट के रूप में आया था, अर्थात दूसरा वाला नाउन, ये वाला नाउन, ये कर्म के रूप में जो हमारा दूसरा नाउन मिला था इसको यहां लिख देंगे। और फिर नाउन के बाद हमने क्या बताया था पिछली स्लाइड में, आप देखेंगे जाकर पिछली स्लाइड का अगर नियम आपने लिख रखा हो तो उसमें देखिए क्या बताया था, नाउन ऑब्जेक्ट वाले के बाद फिर हमने क्या बताया था कि आप फॉर का यूज कर दीजिए, ये तो बताया था कि फॉर लगाएंगे, और फॉर के बाद फिर क्या बताया था कि जो ये पहले शुरू वाला नाउन था इसे आप यहां नाउन या प्रोनाउन, जो शुरू वाला था इसे यूज कीजिए आप लोग, नाउन या प्रोनाउन, ये तो पहले वाला स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें अलग क्या है, नया क्या है, तो नया ये है कि ये दूसरी वाली क्रिया आई है, ये दूसरी वाली क्रिया को हम लोग यहां इन्फिनिटिव बना के लिख देंगे, ये दूसरी वाली क्रिया लास्ट में एकदम इन्फिनिटिव बनके चली जाएगी, और फिर इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं कि मैंने आई खरीदी, बॉट क्या खरीदी, नाउन ऑब्जेक्ट वाला, एक किताब अ बुक, फिर लिया हमने फॉर लगाया, फॉर के बाद शुरू का नाउन मोहन, और इसके बाद ये संज्ञा कर्म वाला ये हो गया हमारा, बचा इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव के लिए कौन सी वर्ब हमें मिल रही है, पढ़ना, तो टू रीड, क्लियर। ये लगभग पहले सेंटेंस को जो स्ट्रक्चर मैंने आपको लिखा है सेम उसी की तरह है, बस आपको लास्ट में करना क्या है कि दूसरा वाला जो वर्ब है इसको उठा के लास्ट में इन्फिनिटिव बना के लगा देना, और सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है सेम टू सेम उसी तरह लिखा जाएगा, क्लियर। तो इसे आप नोट कर लीजिए और फिर इसके अगले रूल को हम देखते हैं। तो अब आगे बढ़ते पहले देख जान लीजिए कि जिन्होंने मेरा पहला वीडियो लेक्चर देख रखा है उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि दूसरा तरीका भी होता है सबका ट्रांसलेट करने का। तो दूसरा तरीका भी है, आप फॉर लगा रहे हैं तो अगर किसी व्यक्ति के लिए लग रहा है, व्यक्ति के लिए कोई संज्ञा सर्वनाम है तो आप वहां पे फॉर का यूज कीजिए, लेकिन किसी कार्य के लिए अगर हो रहा है तो आप वहां पे इन्फिनिटिव का यूज कीजिए, फॉर का यूज तो वहां पे नहीं किया जाएगा। अब इन्फिनिटिव जो मैंने दूसरी स्ट्रक्चर लिखा है उसमें भी लिखा है, लेकिन उसमें फॉर लगा के संज्ञा लिखा ही है, तो वहां पे आपको ये नहीं करना, फॉर जब आपको हटाना हो, फॉर को जो सेंटेंस में से हटाना हो तो कंडीशन ये है कि उसमें कार्य होना चाहिए, और कार्य होना चाहिए तो इन्फिनिटिव का यूज होगा। जैसे एक सेंटेंस, एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं कि यह मेरे लिए बेकार है, यह मेरे लिए बेकार है, इसमें कोई नाउन तो है नहीं, इसमें बस यह मेरे लिए बेकार है, तो इसमें आप फॉर का यूज नहीं करेंगे, इसमें लिखेंगे आप दिस इज ऑफ नो यूज। अब यहां अगर आप फॉर मी लगा देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसको नहीं लगाएंगे, अब फॉर मी की जगह आप दिस इज ऑफ नो यूज टू मी कर देंगे तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, क्लियर। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर किसी कार्य के लिए इन्फिनिटिव टू का ही यूज किया जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यह सबके लिए बेकार है, सबके लिए बेकार है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज ऑफ नो यूज, यहां पे आप क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, और टू अब सबके लिए है तो टू ऑल लगाइए या फिर टू एनी वन लगा दीजिए, ऑल या एनी वन किसी का भी यूज कर दीजिए, यहां दोनों सही है कि दिस इज ऑफ नो यूज टू एनी वन या दिस इज ऑफ नो यूज टू ऑल, क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि फॉर को हटा के अगर टू को यूज करना है
तो आपको यहां पे इस तरीके से यूज करना है। यहां इंफिनिटिव का मतलब केवल टू ही है, इंफिनिटिव के साथ इंफिनिटिव वर्ब नहीं है, इंफिनिटिव को लिखिए टू लगा के ही लिखना है, क्लियर। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर इसका अगला रूल देखते हम लोग। तो आगे बढ़े, आगे बढ़ने से पहले ये बता दें कि अभी आप लोग सोच रहे होंगे सर ने बताया था कि दूसरे तरीके से ट्रांसलेट करना, तो यहां दूसरा तरीका तो मैंने बताया नहीं। मैंने क्या बताया, आप फॉर हटाइए टू कैसे लगा सकते हैं, या टू हटा के फॉर कब लगाएंगे, ये तरीका बताया, लेकिन दूसरा तरीका तो मैंने बताया ही नहीं ट्रांसलेट करने का। तो दूसरा तरीका जो हमारे सामने ट्रांसलेट आता है वो शेक का यूज करवा। तो ऐसे सेंटेंस को अगर दूसरे तरीके से ट्रांसलेट करना है तो वहां पे आप शेक का यूज कीजिए। कैसे कीजिए, एग्जांपल लेके समझते हैं, लेकिन उससे पहले इंग्लिश का स्ट्रक्चर इसके आपके लिए लिख देता हूं कि आप क्या इसका लिखेंगे कि सब्जेक्ट लगाएंगे आप पहले, फिर वर्ब लगाएंगे, फिर लगा देंगे ऑब्जेक्ट। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर सेंटेंस का होता है इसे आप कर देंगे कि सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और फिर हम लगा देंगे फॉर, और के बाद लगा देंगे द शेक ऑफ, और इसके बाद हम लोग जो नाउन होगा उसे यूज कर देंगे। अब जैसे एक सेंटेंस लेते हैं कि मैंने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे, ये सेंटेंस लिया, मैंने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे। अगर आपको पुराने स्ट्रक्चर पे ट्रांसलेट करना तो वहां से भी कर सकते हैं, और उस स्ट्रक्चर को छोड़िए, अगर उसको नहीं याद है आपको तो ये स्ट्रक्चर याद है तो इससे भी उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। दोनों में से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, दोनों से सेंटेंस सही रहेगा। बस एक दूसरा तरीका इसे आप जान के रखिए कि मैंने सब्जेक्ट आई खरीदे बॉट, और फिर खिलौने ऑब्जेक्ट यानी कि खिलौने खरीदे, मैंने क्या खरीदा, खिलौने आई बॉट ट्वाइस, और उसके बाद फॉर लगाएंगे, और फिर द सेक ऑफ, और जो ये बच्चों के लिए था इसी को उन्होंने लगा दिया फॉर सेक ऑफ चिल्ड्रन, ठीक, आई बॉट ट्वाइस फॉर द सेक ऑफ चिल्ड्रन। अब इसको भी दूसरा तरीका लिख सकते हैं, इसका कॉन्ट्रास्ट बेस किस प्रकार से लिखेंगे, फॉर द सेक ऑफ चिल्ड्रन, इसको अगर दूसरे तरीके से लिखें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं कि आई बॉट ट्वाइस फॉर चिल्ड्रंस सेक, इस तरीके से भी इसे लिखा जाता है, इसका कॉन्ट्रास्ट बेस्ड सेंटेंस है कि फॉर द सेक ऑफ चिल्ड्रन की बजाय फॉर चिल्ड्रंस सेक लिख सकते हैं, क्लियर। एक और सेंटेंस ले लेते हैं कि उसने देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया, अब यह सेंटेंस मैं ट्रांसलेट नहीं करूंगा, यह सेंटेंस आप ट्रांसलेट कीजिए और कमेंट कीजिए कि सेंटेंस को किस प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ऊपर स्ट्रक्चर लिखा है, नीचे एक एग्जांपल लिखा है, उसके नीचे एक सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके मुझे बताइए कि क्या आपको सेंटेंस ट्रांसलेशन आया कि अभी नहीं आया। तो आप इसे नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, और अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के जान लेते हैं कि हम लोग एक सेंटेंस यूज कर रहे थे अभी तक के लिए वाला, के लिए में क्या करते थे, फॉर लगाते थे, ऑब्जेक्ट लगाते थे, फॉर ऑब्जेक्ट या जो ऑब्जेक्ट होता था उसे हम यूज कर लेते थे, लेकिन आगे जो सेंटेंस लेने वाले हैं ऐसे सेंटेंस में हम लोग के लिए फॉर प्लस ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करने वाले, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे। तो फॉर प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे नहीं तो ट्रांसलेट किस प्रकार से करेंगे, हम लोग ट्रांसलेट करेंगे कि ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम लोग सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग ये सेंटेंस देखते हैं कि कैसा सेंटेंस आता है और उसको किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाता है। तो ये लिया मैंने कि उसने मेरे लिए एक स्वेटर बनाया, अभी तक जो मैंने बताया वो क्या बताया था कि आप सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब लगाइए, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट, ये वाला चीज आप लगाइए, उसके बाद फॉर लगाइए, फॉर के बाद जो नाउन होगा उसे लगाइए, इसी से ट्रांसलेट होता था। लेकिन अब जो सेंटेंस हम ट्रांसलेट करने वाले ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट वाला, वहां पे हम लोग लिखेंगे पहले सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगा देंगे हम लोग, वर्ब जैसी होगी वैसा, मतलब यहाँ पास्ट टेंस में मिल सकती है, फ्यूचर में मिल सकती है, प्रेजेंट में मिल सकती है, जैसी वर्ब होगी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करके मेन वर्ब उसके साथ यूज कर लेंगे। वर्ब का मतलब यही हुआ कि अगर हेल्पिंग वर्ब लानी है तो हेल्पिंग वर्ब भी ले आइए। अभी तक यहाँ पे पास्ट टेंस से ही सक्सेस मिल रहे हैं, इसलिए कोई हेल्पिंग वर्ब लाने की आवश्यकता नहीं मिली। तो आप यहाँ पे देखिए वर्ब लगा दीजिए, वर्ब के बाद हम लोग एक ऑब्जेक्ट यूज कर लेंगे और इसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट यूज कर लेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ यूज कर लेंगे। अब ये सेंटेंस आपने शायद पढ़ा होगा, इंग्लिश में सेंटेंस पढ़े होगा, बस इसका आप ध्यान लीजिए कि कैसे लक्ष्य या एम जो में आते हैं ये उस ग्रुप में आते हैं, इसको किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाता है। सब्जेक्ट ही बनाया मेड, अब दो था मेरे लिए एक स्वेटर, तो मेड मी अ स्वेटर। बहुत ज्यादा टिपिकल सेंटेंस नहीं है ये सेंटेंस, आप लोग लिखते हैं तो आप लोगों को अधिकतर समझाया गया होगा कि पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये चीज आपको मैंने रिकॉर्डिंग में भी बताई है कि पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखिए बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखिए। अगर इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट बाद ले जाना है तो चाहे टू का यूज कीजिए चाहे फॉर का यूज कीजिए, तो इसी रूल के अंतर्गत उसका यूज किया जाता है। तो यहां देखिए कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम पहले लेकर चले आए, डायरेक्ट बाद में लेकर चले आए, इसीलिए इसके साथ टू या फॉर का यूज नहीं किया गया। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सिंपल सा रूल है, इसे आप लिख लीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है इस रूल के साथ तो कमेंट करके बताइए। तो ये कुछ एग्जांपल मैंने लिख दिए है जिससे कि वो रूल आपके दिमाग में बस जाए और आप उसे भूले रहे, तो तीनों एग्जांपल नोट कर लीजिए, फिर हम इसके अगले रूल को देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ऐसा सेंटेंस अभी तक आप देखते आए हैं और आप फिर कहेंगे कि सर ने ये क्या लिख दिया, यही सेंटेंस फिर घुमा के लेके चला है, तो घुमा के लेके नहीं आए आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो मैंने लिखने के लिए एक कलम खरीदी, अर्थात मैंने अपना कार्य पूरा करने के लिए अन्य कोई साधन चुना। कोई नाउन नहीं है वहां पे, साधन है, किसी कोई यंत्र चुना मैंने अपने कार्य को करने के लिए। तो ऐसे सेंटेंस जब आपके सामने आए तो उसमें आप देखेंगे बहुत बड़ी बात नहीं ट्रांसलेशन करना, सोचेंगे कि क्या करना, उसमें नाउन की जगह ये साधन का नाम लिख दीजिए, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें जो ट्रांसलेट करने का जो तरीका होता है वो कुछ अलग होता है। इस सेंटेंस के लास्ट में आपको प्रीपोजिशन, जो उस साधन से करने का प्रीपोजिशन होता है, उस प्रीपोजिशन को जोड़ना रहता है, तो इसीलिए सेंटेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं कहीं पे आप सेंटेंस लिखा देखते हैं जिसे कहा गया कि मैंने लिखने के लिए एक कलम खरीदी, तो यह हो जाएगा आई बॉट अ पेन टू राइट विद, आखिरी में देखिए प्रीपोजिशन मिल रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को आप जब ट्रांसलेट करेंगे तो लास्ट में एक प्रीपोजिशन दे देंगे। तो पहले इनका स्ट्रक्चर देख लीजिए, हिंदी में कैसा स्ट्रक्चर का आपको मिले, तब आपसे इंग्लिश में किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। तो हिंदी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलता हम लोगों को, तो हिंदी का स्ट्रक्चर कुछ मिलता है कर्ता यानी मैंने, क्रिया लिखना या फिर ने के लिए मिल जाएगा, फिर उसके बाद एक संज्ञा मिलेगी। संज्ञा मतलब वैसी संज्ञा जो साधन का रूप कार्य कर रही है, कोई भी नाउन नहीं है, कोई कर्म नहीं है, यहाँ पे ऐसी संज्ञा मिलेगी जो साधन का कार्य कर रही है, और लास्ट में हम लोगों को एक क्रिया मिल जाएगी। अब इसको जब हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कुछ ऐसे करेंगे कि पहले हम लोग सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर हम लोग वर्ब का यूज कर लेंगे, फिर वर्ब के बाद हम लोग इन्फिनिटिव लगा देंगे। इन्फिनिटिव यानी कि यहाँ पे देखिए दो क्रिया दिख रही है, तो मुख्य क्रिया हमारी ये लास्ट की यही होगी या यहाँ यूज होगी, और जो पहली वाली क्रिया इस जगह पे दिखेगी ये इन्फिनिटिव बन के यहाँ पे लग जाएगी, और फिर इन्फिनिटिव के बाद हम लोग जब यूज करेंगे वो यूज कर देंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बेस एक सेंटेंस का मैंने एक वीडियो लेक्चर, कैसे साधन के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, इसका एक वीडियो लेक्चर मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, ऊपर आई बटन पे लिंक के बाद जाके देख सकते हैं कि कैसे साधन के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। तो वैसे ही साधन के साथ यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा, क्लियर। तो अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो मैंने आई खरीदी बॉट अ पेन, यानी कि यहां पे जो वर्ब आएगी ये वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेकर आएगी, इसके बीच में जो हमें एक ऑब्जेक्ट अपना वो लेकर आएगी, आई बॉट अ पेन, और के बाद इन्फिनिटिव अर्थात लिखना टू राइट, और फिर इसका यंत्र के साथ है यानी पेन है तो इसके साथ हम लोग विद का यूज कर लेंगे, आई बॉट ए पेन टू राइट विद, क्लियर। तो अब देखते हैं, कुछ और एग्जांपल लेता हूं मैं। तो यहां देखिए दो एग्जांपल मैंने लिख दिए कि उसने रहने के लिए एक घर बनाया, ही बिल्ट अ हाउस टू लिव इन, यहां बैठने को एक कुर्सी है,
हियर इज अ चेयर टू सिट ऑन। यहाँ देखिए कि अंत में प्रीपोजिशन इन लगाया ऑन। उम्मीद करते हैं कि ऐसे सेंटेंस आपको अब आराम से ट्रांसलेट हो जाएंगे, तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर इसके अगले रूल को हम लोग देखते हैं। तो अब यहाँ देखिए कि ऐसा सेंटेंस आता है कि वह परिश्रम करता है जिससे कि वह पास हो सके, तो वह परिश्रम करता है कि जिससे कि वह पास हो सके, अर्थात इसमें दो सेंटेंस आपको मिलेंगे और एक सेंटेंस में आपको यह बताया जा रहा होगा कि कार्य क्या हो रहा है। वह परिश्रम करता है यानी कार्य हो रहा है, और जिससे कि वह पास कर सके मतलब ये दूसरा क्लास है, दूसरी सेंटेंस है, और इसमें उस कार्य के होने का उद्देश्य बताया जाए। एक सेंटेंस में कार्य बताया जा रहा है, दूसरे सेंटेंस में कार्य के होने का उद्देश्य बताया जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो किस प्रकार से करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहां देखिए इसका स्ट्रक्चर ये निकल गया था, प्रधान रूप वाक्य प्लस की या जिससे की या जिससे की नहीं, उसके बाद क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसको मैंने आपको एक ऑलरेडी इसका पहले वीडियो लेक्चर दे चुका हूं इस टाइप के सेंटेंस का, एकदम डिटेल में उसमें बता रखा है कि इसमें आपको एडवर्ब क्लास के कैसे सेंटेंस मिलेंगे, उनको किस प्रकार से ट्रांसलेट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप उसे देख सकते हैं। और यहां देख लीजिए कि इसको करना क्या है, प्रिंसिपल क्लास और उसके बाद एडवर्ब क्लास। ये चीज आपको देखकर शायद याद आ गया होगा, जो रेगुलर व्यूअर है उनको पता लग गया होगा कि प्रिंसिपल क्लास एडवर्ब क्लास। जब क्लासेस का नहीं, जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मैं ट्रांसलेशन आपको बता रहा था तो उसमें मैंने आपको एडवर्ब क्लास, एडजेक्टिव क्लास, नाउन क्लास एकदम क्लियर बता दिया था, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको यहां ट्रांसलेट करेंगे। तो प्रिंसिपल क्लास, वह कठिन, वह परिश्रम करता है, ये हो जाएगा ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड। अब क्या होगा, जिससे कि के लिए आप सो दैट लगाइए या फिर दैट लगाइए, दोनों में से कोई एक लगा दीजिए। तो हम सो दैट का यूज कर देते हैं, सो दैट वह पास कर सके, ही मे पास। क्लियर, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, ज्यादा सीखना है तो आपको एडवर्ब क्लास के सेंटेंस का जो वीडियो लेक्चर है वहां जाके आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि यहां ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है कि ये वर्ब्स क्यों हो गया, यहां आप मे क्यों लग गया। बस इतना आप जान लीजिए कि अगर दो प्रिंसिपल क्लास मिल रही है, अगर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिल रहा है जिसमें एक प्रिंसिपल एक सबॉर्डिनेट क्लास है, तो प्रिंसिपल क्लास जिसमें जो प्रधान उपवाक्य होगा वो जैसा लिखा रहता वैसा ही करते हैं, उसके बाद दैट या सो दैट का यूज कर देते हैं, उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस होगा उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। इस सेंटेंस में एक पहचान होती कि एक का एक सेंटेंस आपको कार्य का होना बताता है और दूसरा सेंटेंस उस कार्य के होने का उद्देश्य बताता है। क्लियर, तो इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो लेक्चर में जो लक्ष्य यानी कि पर्पस एंड एम, ये दोनों डिनोटिंग सेंटेंस थे, ये आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे और इसको आपने हर रूल को लिख के तैयार कर लिया होगा। और जिन्होंने मेरा पहला वीडियो लेक्चर नहीं देखा, ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां जाके देख लीजिए, वो इसका फर्स्ट पार्ट था। इसका सेकंड पार्ट इसमें मैं लेकर आया हूं, दोनों में रूल्स ज्यादा थे, वीडियो बहुत लंबा बन जाता, इसीलिए इस जो रूल को मैंने दो पार्ट में, दो अलग अलग पार्ट में कर दिया। तो पहला वीडियो लेक्चर जरूर देख लीजिए क्योंकि वो वीडियो लेक्चर इसी से रिलेटेड, इसी का फर्स्ट पार्ट है, तो बिना फर्स्ट पार्ट को देखे सेकंड पार्ट आपकी समझ में आने वाला नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट को जरूर देख लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पे आपको हर चीज एकदम डिटेल में बताई जाती है। तो मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, टिल देन स्टे ट्यून्ड योर चैनल, कीप वाचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।